हमने अपने आज के वीडियो में क्लास टेंथ के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिया है। ये एक बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। कहता है ए और बी के किस मान के लिए समीकरण के अनंत हल होंगे, इन्फेनाइट सॉल्यूशन होंगे। आपके पास दो इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर 1 है 2x प्लस 3y इक्वल 7। इक्वेशन 2 है a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल्स 3a प्लस बी माइनस 2। a1 क्या हो गया 2, a2 a माइनस बी, b1 क्या है 3, b2 क्या है a प्लस बी, c1 क्या है 7, c2 क्या है 3a प्लस बी माइनस 2। आपको पता है अनंत हल के लिए, इन्फेनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल्स b1 बाई b2 इक्वल्स c1 बाई c2। आप लिख लीजिए a1 क्या है 2, a2 क्या है a माइनस बी, b1 क्या है 3, b2 क्या है a प्लस बी, c1 क्या है 7, c2 क्या है 3a प्लस बी माइनस 2। हम पहले इनको और इनको क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2 a प्लस बी इक्वल्स 3 टाइम्स a माइनस बी। 2 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 2a, 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 2b, 3 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 3a, 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 3b। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन डाल दीजिए। अब क्या करेंगे, इन यहाँ के सारी चीज़ों को इस तरफ ले करके आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2a माइनस 3a प्लस 2b, और ये इस तरफ आएगा तो प्लस 3b। तो 2a में से 3a जाएगा तो क्या बचेगा माइनस a, 2b प्लस 3b मिलकर के क्या हो जाएगा 5b। इस माइनस a को इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा a इक्वल्स 5b, जो कि आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब क्या है, इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं, 3 डिवाइडेड बाय a प्लस बी इक्वल 7 डिवाइडेड बाय 3a प्लस बी माइनस 2। अब क्या कर लीजिए, इसको क्रॉस कर लीजिए, तो 3 के साथ क्या आ जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2, 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी, 3 को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे 9a, 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 3b, और 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6, 7 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 7a, 7 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 7b। अब इन सारी चीज़ों को इस तरफ लेकर के आ रहे हैं और माइनस 6 को इक्वल्स के इस तरफ लेकर के आ रहे हैं, माइनस 6 को इक्वल्स के इस तरफ लेकर के आए तो वो प्लस 6 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा 9a माइनस 7a 3b, और ये प्लस 7b इस तरफ आएगा तो माइनस 7b, 9a में से 7a गया तो 2a, 3b में से 7b गया तो माइनस 4b इक्वल 6। आपने इक्वेशन 1 में देखा था, इक्वेशन 1 में क्या है कि a इक्वल्स 5b है, a क्या है 5b के बराबर। आप इस चीज़ को इस 2a वाली जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 और a की जगह पे क्या है 5b, माइनस 4b इक्वल 6, 2 इंटू 5b 10b, 10b में से 4b गया तो 6b, 6b इक्वल 6, यानी b क्या आया 1, b इक्वल्स 1 आया। इसको आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए तो a क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 5, तो a इक्वल्स क्या है 5b, और b का वैल्यू कितना है 1, यानी a क्या हो जाएगा 5, तो a इक्वल्स 5 b इक्वल्स 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट किया। इसमें इन्फिनाइट सॉल्यूशन अनंत हल के लिए a और b को हल करना था।